पुराने ज़माने की बात है कि एक आमर बादशाह किसी शहर पर हुकूमत करता था। लोगों से अपनी इबादत करवाता और उसका एक जादूगर था जो वो बूढ़ा हो गया था। जादूगर ने बादशाह से कहा, बेशक मैं बुढ़ापे को पहुंच गया हूँ, मेरी तरफ कोई नौजवान भेजो ताकि मैं उसे जादूगरी सिखा दूँ। बस उसने एक नौजवान भेज दिया ताकि उसको तालीम दे, मगर अल्लाह ताला ने इस नौजवान के साथ भलाई का इरादा किया। जादू की तरफ जाने वाले रास्ते में राहिब था, वो अल्लाह ताला की इबादत करता था। बस लड़के ने उस नौजवान ने उसके उसको उसके पास बैठ गया, उसकी बात सुनी और उस लड़के को उसकी गुफ्तगू पसंद आई। एक दिन लड़का इधर आ रहा था कि उसने एक बहुत बड़ा जानवर देखा अपने रास्ते में जिसने लोगों को रोका हुआ था। तो नौजवान ने कहा कि आज मैं देखता हूँ कि जादूगर अफजल है या राहिब। उसने एक पत्थर लिया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर राहिब का काम आपको पसंद है तो साहिर के काम से तो इस जानवर को मार दे ताकि लोग गुजर जाएं। इस पत्थर को फेंका तो जानवर उससे हलाक हो गया और लोग गुजरते चले गए। वो राहिब के पास आया, बस उसको खबर की। राहिब ने उसे कहा, है मेरे बेटे, आज तुम मुझसे अफजल हो और तुम अनकरीब आजमाइश में डाले जाओगे। अगर तुम्हें आजमाया जाए तो मुझे जलील ना करना। और इस लड़के की करामात में से था कि वो कोढ़पन और बरस को ठीक कर देता था और लोगों को तमाम बीमारियों की दवा देता। बादशाह के मशीर ने सुना जो नबीना था उसने उसके बारे में, वो आया उसके पास बहुत से तोहफे लेकर और उसने कहा, ये सब कुछ आपके लिए है अगर तुम मुझे ठीक कर दे। लड़के ने कहा, मैं खुद किसी को शिफा नहीं देता, बेशक अल्लाह ताला शिफा देते हैं। अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं तेरे लिए अल्लाह से तेरे ठीक होने की दुआ करूँगा। नबीना अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने उसको ठीक कर दिया। जब वो पलटा बादशाह की मजलिस में तो उसने पूछा, किसने आपकी नज़र लौटाई? उसने कहा, मेरे रब ने बादशाह। बादशाह ने कहा, तेरा रब? मेरे सवा कोई और है? आदमी बोला, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। बादशाह ने उसे पकड़ लिया, बस उसको सजा दी, यहाँ तक कि आदमी ने लड़के का बता दिया। उसको बुलाया गया, बादशाह ने उसे कहा, ऐ नौजवान, यकीनन तू पहुँच गया बड़े कमाल को, तेरा जादू जिससे तू कोढ़ और बरस वाले को ठीक करता है। नौजवान ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, बेशक जिसको अल्लाह ताला शिफा दे। बादशाह ने उसको भी पकड़ कर सजा दे दी, यहाँ तक कि उसने राहिब के बारे में बता दिया। राहिब को लाया गया, उससे कहा गया कि अपने दीन से लौट आ, उसने इनकार कर दिया। आरी को रखा उसके सर के दरमियान में, यहाँ तक कि उसने चीर दिया उसको। और फिर मुशीर को अपने को बुलाया गया, बस उसे कहा गया अपने दीन से लौट जा, उसने इनकार कर दिया। बस आरी को उसके सर के दरमियान रखा गया, यहाँ तक कि उसको चीर कर रख दिया उसने। फिर लड़के को बुलवाया गया और कहा गया कि अपने दीन से फिर जा, उसने इनकार कर दिया। बादशाह ने कहा, इसको पहाड़ की चोटी पर ले जाओ, अगर वो अपने दीन से ना फिरा तो इसको फेंक देना। लड़के ने दुआ की ये कहते हुए, ऐ अल्लाह, तू काफ़ी हो जाए इनके मुकाबले में, जैसा कि तू चाहे। पहाड़ लरजने लगा उनके साथ, वो लोग गिर गए और वो लड़का चला आया वापस बादशाह की तरफ। फिर बादशाह ने अपने लश्कर को हुक्म दिया और कहा कि ले जाओ इसको दरिया के दरमियान में, और अपने दीन से ना लौटे तो उसको दरिया में डाल देना। कश्ती उलट गई, वो सब गर्क हो गए और वो वापस चला आया। बादशाह ने के पास आया और कहा, तुम मुझे मार नहीं पाओगे, यहाँ तक कि वो करो जिसका मैं हुक्म दूँ। तो बादशाह ने कहा, और वो क्या है? लड़के ने कहा, तुम लोगों को एक चटियल मैदान में जमा करो और मुझे लटका दो दरख्त के तने पर, और फिर पकड़ो तीर को मेरे तरकश से, फिर उसको मेरी तरफ चलाओ और ये कहो, अल्लाह के नाम के साथ जो लड़के का रब है, बेशक जब तू इस तरह करेगा तो उससे मुझे कत्ल कर देगा। बादशाह ने फेंका और कहा, अल्लाह के नाम के साथ जो लड़के का रब है, बस वो मर गया। लोगों ने कहा, हम लड़के के रब पर ईमान ले आए। बादशाह से कहा गया, अल्लाह की कसम, तेरा डर जो है वो चला गया है, लोग ईमान ले आए। बादशाह ने रास्तों के दरवाज़ों पर खंदक खोदने का हुक्म दिया। खोद दी गई, इसमें आग जलाई गई और कहा, जो अपने दीन से ना फिरे उसको उसमें डाल दिया जाए। बस लोगों ने ऐसे ही किया, यहाँ तक कि लाई गई एक औरत मोमिनीन में से, उसके साथ उसका एक बच्चा भी था, वो हिचकिचाई कि उसमें गिर जाए, तो बच्चा बोला, है माँ सब्र कर, बेशक तू हक पर है। वो लोग हैं खंदक वाले जिनका पूरा किया अल्लाह ने हम पर, उनकी खबर दी। सूरह बुरूज में अल्लाह ताला का फरमान है, कत्ल किए गए खंदक वाले, ऐसी आग जो शोलों वाली थी, जब वो उस पर बैठे थे और उस पर शाहिद हैं,
जो वो मोमिनीन के साथ करते हैं और उन्हें इंतकाम लिया गया उनसे मगर इस बात पर कि वो अल्लाह पर ईमान लाए जो गालिब तारीफ़ किया गया है, वो ज़ात जिसकी बादशाहत है आसमानों और ज़मीनों में, और वो अल्लाह है जो हर चीज़ पर गवाह है।